एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की हम इंडिया की एक डेमोक्रेसी है जिसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है भारत को, और उसी तर्ज पर सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका को कहा जाता है। तो वो डेमोक्रेसी हमने पिछले लगभग 4-5 साल से एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया था, उससे पहले जो ये सिस्टम नहीं था। लेकिन कई बार ऐसा होता था, इस बार के अंदर जब मेरे सीनियर सुभाष शर्मा जी, हमारे टीएन गुप्ता साहब, हमारे नवीन चौधरी साहब, हमारे बलदेव सिंह जी जो लॉ ऑफिसर भी रहे हैं वहाँ सेक्रेटरेट में, अब हमारे यहाँ कुलीग हैं दोबारा से, इनको पता है, ये सारे लोग जानते हैं। हमारे अंग्रेज सिंह जी ये भी जानते हैं कि कई बार जब बार छोटी होती थी, जब 10-15 लोग होते थे तो वो यूनानिमस 16-16 करके एक प्रेसिडेंट चुनते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर बदल गया है, अब हम बदलाव की ओर चले गए हैं। तो इसलिए ये जो सिस्टम बना था, हमने पिछली टीम में जब मैं प्रेसिडेंट था पिछली बार, मैंने यहाँ और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एक संविधान बनाया था, और वो ऐसा संविधान था कि इस बार एसोसिएशन में जो भी लूप होल रहते थे, जो भी कमियां रहती थी, जो एक ऑर्गेनाइज्ड बार हम लोगों ने यहाँ पर बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज की जीत जो है ये मेरी जीत नहीं है, क्योंकि मैं एक बार तो प्रेसिडेंट बन चुका था, मुझे उसका कोई वो नहीं था कि मैं दोबारा से। और यहाँ पर मेरे पर कई जगह कटाक्ष किए गए कि कुर्सी का मोह हो गया है, कुर्सी छोड़ नहीं रहे, चिपक गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की मेरी जीत ने ये सुनिश्चित किया है, ये साबित कर दिया है कि मैं गलत नहीं था, मेरे को कुर्सी का कोई लालच नहीं था, मेरे को काम करने का लालच था, मेरे को मेरे मेंबरों की सेवा करने का लालच था। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बताइए कितने टोटल बोर्ड थे और कितने आपको पड़े इसके बारे में? देखिए, ये एक सर्टिफिकेट मुझे जारी किया गया है हमारी इलेक्शन टीम की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मुझे, यानी आजाद शत्रु शर्मा को 89 वोट पड़े हैं और अनमिंदर सलाथिया जी को 76 वोट पड़े हैं। तो ये मुझे एक सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है, पहले हम कैंडिडेट थे, विपक्षी कैंडिडेट थे, मैंने इलेक्शन से पहले ही कहा था, जब पोलिंग स्टार्ट हुई थी मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर मैं हारता हूँ तो मैं अपोनेंट कैंडिडेट को पूरा अश्योर करूँगा, पूरा एक साल उनके साथ साथ चलूंगा, जहां वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उनके साथ चलूंगा। लेकिन अगर मैं जीतता हूं
तो ये मैं तवक्को, ये मैं एक्सपेक्टेशन उनसे भी करता हूँ। तो यही बार एसोसिएशन इलेक्शन की ब्यूटी है। बार एसोसिएशन कठुआ जिंदाबाद, बार एसोसिएशन कठुआ जिंदाबाद, लॉयर्स यूनिटी जिंदाबाद, लॉयर्स यूनिटी जिंदाबाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। बाकी प्रोग्राम आप बाद में प्रेस को बता दें। अभी